बच्चों हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन और हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपके थ्री ब्लॉक्स हैं। इस ब्लॉक का वेट जो मास है वो 15 kg है, इसका मास 5 kg है और ये 5 kg का ब्लॉक इस रफ सरफेस पर रखा हुआ है। और बच्चों एक स्ट्रिंग जो कि 5 kg और 15 kg के ब्लॉक के में अटैच्ड है जो कि इस पुली से होकर जाती है, और ये दूसरी स्ट्रिंग जो कि 5 kg और 5 kg के ब्लॉक के बीच में अटैच्ड है और ये इस पुली से होकर जाती है। तो बच्चों हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन और इस 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इन थ्री ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले बच्चों इस 15 kg ब्लॉक के की बात करते हैं, तो इसका जो वेट है दैट इज द 15g, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और कंसीडर किया कि ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में टेंशन आपकी T1 है, सो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T1। अब बच्चों ये जो 5 kg का ब्लॉक है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज द 5g, और जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में दैट इज द T2। मैंने कंसीडर किया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन आपकी T2 है। और बच्चों ये 15 kg का ब्लॉक इस 5 kg के ब्लॉक से ज़्यादा है, यानी इस ब्लॉक का मास ज़्यादा है, तो कंसीडर करते हैं कि ये 15 kg का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन में से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये 5 kg का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और बच्चों ये 5 kg का ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब बच्चों इस 5 kg के ब्लॉक पर लगने वाले हम सभी फोर्स इंडिकेट करेंगे, तो इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5g लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पर सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। टेंशन बच्चों T1 लेफ्ट डायरेक्शन में है और T2 राइट डायरेक्शन में है, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, और जब ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो बच्चों इस ब्लॉक पर राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स दैट इक्वल टू μn लग रहा होगा। तो बच्चों हम अब तीनों ब्लॉक्स की मोशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं इस 15 kg ब्लॉक की मोशन के लिए इक्वेशन लिखता हूँ। तो बच्चों इसका जो वेट है दैट इज द 15g, ये बच्चों ज़्यादा होगा टेंशन T1 से, तभी ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। सो बच्चों अनबैलेंस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इज द 15g माइनस T1, सो दैट इक्वल टू 15 × a। कंसीडर किया कि बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। हमें सेकंड ब्लॉक को देखते हैं बच्चों, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, सो T2 ग्रेटर देन 5g, तभी ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। सो अनबैलेंस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन T2 माइनस 5g दैट इक्वल टू 5 × a, सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों हम इस 5 kg ब्लॉक की बात करते हैं जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बच्चों लेफ्ट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है दैट इज द T1, और राइट डायरेक्शन में बच्चों दो फोर्स हैं दैट इज द T2 एंड टेंस एंड फ्रिक्शन फोर्स, सो अनबैलेंस फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, सो दिस इज द T1 माइनस दैट इज द T2 प्लस μn दैट इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक, सो दिस इज द 5, एंड एक्सेलरेशन बच्चों इसका ए है, सो दिस इज द 5a, सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। बच्चों हम इस फ्रिक्शन फोर्स μn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सो दिस μn दैट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज द 0.2 एंड द नॉर्मल रिएक्शन दैट इक्वल टू 5g, सो दैट इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करें बच्चों, सो दैट इज g। तो बच्चों इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सो फ्रॉम हेयर दिस T1 माइनस T2
and this is minus g, that equal to 5a. बच्चों ये आपकी थर्ड इक्वेशन ही है। और बच्चों अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूं तो यहां से हम पाएंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, सो दैट इक्वल टू 15g माइनस t1 प्लस t2 माइनस 5g दैट इक्वल टू 20a। बच्चे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम, दैट इज द 10g माइनस t1 माइनस t2 दैट इक्वल टू 20a। और बच्चों इससे सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं t1 माइनस t2 दैट इक्वल टू 5a प्लस g। तो बच्चों t1 माइनस t2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सो फ्रॉम हेयर 10g माइनस t1 माइनस t2 दैट इज द 5a प्लस g दैट इक्वल टू, बच्चों दिस इज द 20a। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ t1 माइनस t2 इन दिस हेयर, सो दैट इक्वल टू 20a। बच्चों जहां से हम एक्सेलरेशन a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो फ्रॉम हेयर इफ यू सिंप्लीफाई दिस, सो दिस इज द 9g माइनस 5a दैट इक्वल टू 20a। सो फ्रॉम हेयर 9g दैट इक्वल टू 25a। सो फ्रॉम हेयर दिस एक्सेलरेशन a इक्वल टू 9 अपॉन 25g। और अगर बच्चों मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 यानी g की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करूं, सो दिस एक्सेलरेशन a इक्वल टू 9 अपॉन 25 इनटू 10, सो दैट इज द 90 अपॉन 25, सो दैट इक्वल टू 19 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी दिस इज द 18 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों दिस इज द 18। और बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके यहां से 10 एंड t1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, सो फ्रॉम हेयर 15g माइनस t1 दैट इक्वल टू 15 इनटू 8, सो दैट इज द 18 अपॉन 5, सो फ्रॉम हेयर दिस 10 एंड t1 दैट इक्वल टू 15g माइनस 15 इनटू 18 अपॉन 5। और बच्चों अगर g की वैल्यू यहां पे 10 पुट करूं, सो दिस t1 इक्वल टू 150 माइनस 15 इनटू 18 अपॉन 5। और अगर बच्चों मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, सो दिस टेंशन t1 इक्वल टू 96 न्यूटन। अब टेंशन t2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं a की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, सो फ्रॉम हेयर दिस t2 इक्वल टू 5a प्लस 5g, सो t2 इक्वल टू 5 इनटू a, सो दैट इज द 9 अपॉन 25 प्लस, बटा g की वैल्यू मैंने यहां पर 10 पुट की, सो दिस इज द 50। सो फ्रॉम हेयर दिस t2 इक्वल टू, सॉरी बच्चों दिस इज द 5, सो दिस इज द 19, a इज द 18 अपॉन 5, तो बच्चों दिस इज द 18 अपॉन 5। सो फ्रॉम हेयर दिस टेंशन t2 इक्वल टू 68 न्यूटन, यानी बच्चों इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी दैट इज द 68 न्यूटन। सो दिस इज द फाइनल आंसर।